जहां चुनाव की तैयारी जोर शोर से है, वहीं आला अधिकारी कर्मचारी भी कोविड 19 से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए प्रशासन भी पहले से इस ओर अपना ध्यान किए हुए है और हर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के पहले ही सैनिटाइजर रूम होगा, जिसमें मतदाता सबसे पहले सैनिटाइज होगा और प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र पर ग्लव्स और मास्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशिक्षण को समाप्त करते हुए अपर कलेक्टर चांदिल जी ने कहा कि खुद बचें और दूसरों को बचाएं। बता रहे ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या नई चीजें? इसमें तो हमारी ट्रेनिंग स्कैनर हमने जांच करने के बाद ही इनका प्रवेश कराया, सैनिटाइज कराने के बाद ही किया है। और दूसरे क्या है कि इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको वहाँ जब जाएंगे तो क्या क्या चीज उनको सुविधा मिल पाएगी, तो वहाँ पर क्या क्या सावधानी रखनी है। तो वहाँ पर यही बता दिया कि इनको पर 95 दे रहे हैं, तो जो भी मतदाता मतदान करेगा उसको भी हम उसको ग्लिप्स भी दे रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं। वैसे सबसे आह्वान है कि सब मास्क लगा के जाएं। यदि कोई मतदाता नहीं जाता तो 100 मीटर में अंदर में प्रवेश करने से पूर्व उसका जांच भी हो जाएगी और ग्लव्स भी वो दे दिए जाएंगे। मास्क तीसरी जगह सैनिटाइज की वो भी दे रहे हैं, बोतल भी दे रहे हैं इनको, उससे सैनिटाइज हो जाएंगे। और गेट पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी भी रख रहे हैं, जाते समय भी हाथ धोएगा और आते समय भी हाथ धोएगा। खुद बचें, दूसरों को बचाएं, यही एक संदेश है। खास टैंक अंदर जो कमरे से 1-2-3 रहती है उनमें पर्याप्त दूरी रखें और जो मध्य एजेंट बैठेंगे वो भी दूरी थोड़ी थोड़ी दूरी में बैठा लेंगे।